नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बढ़ते कोरोना महामारी के बारे में। जी हां, लगातार जो है करीबन 1 लाख जैसे बड़े आंकड़े को ये कोरोना महामारी दूसरे लहर में भी छू चुका है। जहां हम इस महामारी पर थोड़े हद तक काबू पा चुके थे, अभी कुछ महीनों पहले तक अगर बात करें तो आंकड़े 20,000-25,000 तक निकलकर सामने आते थे, वहीं अभी लगातार जो है इस महीने और पिछले महीने की बात करें तो लगातार इजाफा हुआ है मामलों में। 50,000 से 60,000, उसके बाद 70, 80, 90 और अब 1 लाख तक ये जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं। 700-800 मौतें हर रोज लगभग हो ही रही है देश में। तो ऐसे में कोरोना महामारी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में जो है वो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। अगर हम दिल्ली की भी बात करते हैं, देश की राजधानी, तो दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने जो है वो नाइट कर्फ्यू 31 अप्रैल तक लगा दिया है। जी हां, 10 बजे से रात से सुबह के 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाला राज्य बन चुका है और महाराष्ट्र में भी उद्धव सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। जी बता दें, शुक्रवार की रात से, शुक्रवार की शाम से लेकर और सोमवार की सुबह 5 बजे तक महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। और लॉकडाउन लगने के बाद महाराष्ट्र में हालांकि केसेस में थोड़ी सी कमी आई है। जहां वो 50,000-60,000 केसेस निकल के महाराष्ट्र में सामने आते थे, वहीं अब वो 40,000-45,000 के आसपास निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी में जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार से ये लगातार आग्रह कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो गई या फिर चिट्ठियां लिख लिख के आग्रह यही कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एज क्राइटेरिया एक बनाकर रखा हुआ है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी तो किसी को भी हो सकती है और सबको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। अगर सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो यह महामारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार कई दिनों से हैं मीडिया के थ्रू भी या सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो एज क्राइटेरिया है दिल्ली में तो कम से कम हटा ही दिया जाए, क्योंकि अगर दिल्ली में केंद्र हटा देता है ये एज क्राइटेरिया तो हम पूरे दिल्ली को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे। दिल्ली के जितने भी लोग हैं सबको हम 3 महीने के अंदर में जो वैक्सीनेट कर देंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, पत्र में उन्होंने ये लिखा कि कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र ने हर कदम पर दिल्ली सरकार का साथ दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बिंदुओं पर विचार करेंगे जिससे कोरोना से प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके। इस पत्र में उन्होंने यही कहा है कि एज क्राइटेरिया को हटा दिया जाए ताकि हम दिल्ली के सभी लोगों को जो है वैक्सीनेट कर दें। इसके साथ साथ अगर उद्धव सरकार की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने भी यही प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि जो वैक्सीनेशन में एज क्राइटेरिया है वो हटा दें। अभी आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है और इस चरण में 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। उससे 45 साल से कम लोगों को अभी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत ने भी 5 अप्रैल को ट्विटर पर पीएम मोदी से यही आयु सीमा खत्म करने की जो है मांग की। उन्होंने गहलोत ने यह लिखा कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए सभी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि सभी के लिए वैक्सीनेशन की अनुमति दी जाए, बिना आयु सीमा के ये जो है वैक्सीन सबको लगवाई जाए। ये अशोक गहलोत ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा। आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है वो कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। इस वक्त सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, जहां आपके 4,52,777 एक्टिव केसेस हैं। वहीं उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है जहां 44,296 एक्टिव केसेस हैं। कर्नाटक में 42,502, केरल में 28,685, पंजाब में 25,419 एक्टिव केसेस हैं वो अभी चल रहे हैं। जी बता दें कि सबसे ज्यादा जो मार झेल रहा है वो महाराष्ट्र ही है और महाराष्ट्र से लगातार कभी 400 कभी 300 मौतें निकलकर सामने आ रही हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी कमी तो जरूर आई है। आपको यह भी बता दें कि 5 अप्रैल को तो देश में कोरोना का 1 लाख से ज्यादा आंकड़ा जो है निकलकर सामने आया था। वहीं 6 अप्रैल की बात करें तो 6 अप्रैल को भी जरा सा ही कम आया है, 96,982, लगभग 1 लाख के आसपास तो मामला आ ही गया है सामने निकलकर। देश में कुल कोरोना की बात करते हैं तो 1,26,86,049 केसेस हो गए हैं। वहीं अगर मौतों की बात करते हैं तो 6 अप्रैल को 446 नई मौतों के साथ
साथ कुल मौतों की संख्या 1,65,547 हो गई है। तो देश में सक्रिय अगर कुल मामलों की बात करते हैं तो अभी कुछ महीनों पहले तक जो 5 लाख के आसपास सक्रिय मामले थे देश में कोरोना के, वो अब बढ़कर लगभग 8 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। जी हाँ, एग्जैक्ट जो है 7,88,223 सक्रिय मामले जो हैं वो देश में अभी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं एक्टिव केसेस, और ये जो लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, ये बहुत ही चिंताजनक है। इस पर आपको हमको सोचने की बेहद ज़रूरत है, और जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, घर से ना निकलें, और जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें, खुद को सैनिटाइज रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूर मेंटेन करें, और देखते रहिए DNP इंडिया, क्योंकि हम आपको सारी अपडेट सबसे पहले पहुँचाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।